हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर जिसका नाम है ऑनलाइन सेवा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत ही जल्द हम अपना एनुअल रिटर्न फाइल करने वाले हैं जीएसटी से रिलेटेड, लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने इस जो हमारे ये जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला है इसके दौरान जो रिटर्न फाइल किया गया था GSTR 3B या GSTR 1, तो उसमें कई लोगों ने जो छूटे हुए GSTR 3B का ITC था, यानी ऐसा इनपुट जो छूट गया था या फिर हमने ज्यादा क्लेम कर लिया था उसका जो रिफ्लेक्ट था, अफेक्ट था उसका GSTR 3B में दिखाया था। अब ऐसे भी कई लोग हैं जो ये जानते हैं कि GSTR 3B रिटर्न फाइल करते टाइम हमको कहाँ पे ITC मेंशन करना होता है अगर हमने कम लिया है, और अगर हमने ज्यादा लिया है तो जो उसका रिवर्सल करना होता है वो कहाँ करना होता है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनको इसकी नॉलेज नहीं है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि जब हमारा कोई ITC छूट जाता है या हमने ITC ज्यादा क्लेम किया होता है तो उस केस में हमें GSTR 3B में कहाँ मेंशन करना होता है। साथ ही साथ इसके साथ ही कई लोगों के मन में ये भी डाउट आएगा कि GSTR 9 में जो उसका अफेक्ट, यानी जो हमने GSTR 3B फाइल करते टाइम अगर ITC ज्यादा फाइल किया है और उसको मेंशन कर दिया है तो वो GSTR 9 में हम कहाँ दिखाएंगे। तो दोनों चीजें आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप कि आप लोगों किसी प्रकार कोई डाउट ना रहे। डाउट अगर है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के जितने भी कमेंट है सबका मैं आंसर दे सकूं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो आगे बढ़ाते हैं, और वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो लोग अकाउंट फील्ड में वर्क करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि मैं इस टाइम पे जीएसटी पोर्टल पे आ चुका हूँ। जीएसटी पोर्टल पे आने के बाद जो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है वो GSTR 3B फाइल करने का होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैंने मार्च का सिलेक्ट किया, फरवरी का सिलेक्ट करके नहीं दिखा सकता क्योंकि फरवरी का रिटर्न ऑलरेडी फाइल हो चुका है। तो मैं एक जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं मार्च का मंथ सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जब आप अपने GSTR 3B में आते हैं तो GSTR 3B में आने के बाद ये आपसे बहुत चीजें पूछता है कि क्या आपका आउटपुट है कि नहीं है, इनपुट है कि नहीं है। तो मैं अभी फॉर एग्जाम्पल मैं क्लिक कर लेता हूँ कि हैव यू मेड एनी सप्लाई ऑफ गुड सर्विस, यस मेरे पास हैव यू मेड इंटर स्टेट सप्लाई फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन, क्या आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई आपका इंटर स्टेट सप्लाई हुआ वगैरह है कि नहीं। डू हैव एनी क्लेम, क्या आप कोई रिवर्सल या इनपुट क्लेम करना चाहते हैं या नहीं। बाकी इन केसों में मैं नो कर देता हूँ, और ये जितने भी ऑप्शन है ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को पहले अपने वीडियो में बता चुका हूँ कि वो ऑप्शन क्या होते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि जब आप अपना GSTR 3B भरते हैं और अगर आपने ज्यादा ITC क्लेम कर लिया है या फिर ITC कम लिया है तो उस केस में हमें क्या करना होता है। देखिए, जितने भी ITC आपके छूटे हुए हैं उस केस में जिस मंथ में आप अपना रिटर्न फाइल करते हैं, इससे पहले एक बात आप लोग ध्यान रख लीजिएगा कि पिछले साल यानी जो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है अगर किसी का ITC छूटा हुआ है तो उनके पास जो लास्ट डेट है वो मार्च के रिटर्न का लास्ट डेट तक है। यानी मार्च का रिटर्न हमारा अप्रैल में जाना है 19-20 तारीख के आसपास, तो 19-20 अप्रैल तक आप अपना छूटा हुआ ITC क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा कि आप अपना ITC क्लेम कर ले। तो आई होप कि आप लोग अपना ऑडिट कर चुके होंगे या फिर डेटा तैयार कर चुके होंगे कितना मेरा ITC छूटा हुआ है और कितना ITC हमने ज्यादा क्लेम किया है। तो अगर आपका ITC छूटा हुआ है तो आप जिस मंथ का रिटर्न फाइल करेंगे, हालांकि अब हमारे पास सिर्फ 1 महीना रह गया है, तो अगर आप मार्च का रिटर्न फाइल करते हैं तो उसी मंथ में आप अपने ITC में जोड़ लीजिएगा जितना भी आपका ITC छूटा होगा। फॉर एग्जाम्पल, मार्च में मान लीजिए आपने आपको जो ITC क्लेम करना है वो 20,000 20,000 CGST या GST में करना है, और अगर आपका 2,000 और 3,000 CGST या GST पिछले साल का या किसी भी महीने का छूटा हुआ है तो उसी 20,000 में आप 2,000 जोड़ेंगे तो टोटल 22,000 हो जाएगा आपका। इस तरीके से आप लोग मतलब 2,000 रुपए जो छूटे हुए हैं वो आप अपने इस वाले ITC में ऐड करके यहाँ पे दिखा सकते हैं। दूसरी जो बड़ी बात है, अगर आप लोगों ने ज्यादा ITC क्लेम किया हुआ है तो उस केस में आपको ITC रिवर्सल जो ये बी पार्ट है इसका, जो ये दूसरा पार्ट है, इसमें आप लोगों को दिखाना होगा अदर में। लेकिन अगर आप 42 एंड 43 रूल में
आते हैं तो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। लेकिन एक चीज और आप लोगों को खासतौर से ध्यान रखना है, अगर आप आईटीसी रिवर्सल करते हैं तो इस केस में आपको यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना पड़ जाएगा दोस्तों, पेनल्टी लग जाएगी। अब वो किस तरीके से लगता है ये भी मैं आप लोगों को अपने लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। उसके बाद आप कंफर्म पे क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। ये रही बात हमारी जब हम GSTR 3B में अपना छूटा हुआ ITC या फिर जो हमने ज्यादा ITC लिया था वो किस तरीके से मेंशन करते हैं। अब मन में डाउट आ रहा होगा कि इसका इफेक्ट हम GSTR 9 में कहाँ दिखाएंगे, तो चलिए मैं उस पर भी ले चलता हूँ आपको। जब हम डैशबोर्ड पे आते हैं, डैशबोर्ड पे आने के बाद फाइल रिटर्न पे जैसे ही हम जाएंगे, फाइल रिटर्न पे जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे एनुअल रिटर्न का ऑप्शन आना स्टार्ट हो गया है। तो मैं सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा होगा एनुअल रिटर्न का। तो मैं एक बार रुकिए, डैशबोर्ड पे ही आ जाता हूँ पूरा। या तो सर्विस में आइएगा, सर्विस में आने के बाद आप रिटर्न पे जाइएगा। रिटर्न पे जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा एनुअल रिटर्न, इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अभी सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 17-18 ही आ रहा है क्योंकि इसी का ही जाना है। इसके बाद आप यहाँ पे प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नो का ऑप्शन है, मेरे केस में मैंने नो किया हुआ है, इसे नेक्स्ट कर देंगे। अब जब आप इसके अंदर आएंगे तो आपको खासतौर से इस वाले टेबल पे ध्यान रखना है, 10, 11, 12 एंड 13 डिटेल ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर ट्रांजेक्शन रिपोर्ट इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। इस पे क्लिक करके आप लोगों को यहाँ पे वो सारी डिटेल देनी होगी जो भी ITC आपने क्लेम किया छूटा हुआ या फिर आपने रिवर्सल किया। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है रिवर्सल ऑफ ITC अवेल ड्यूरिंग प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। पिछले साल का ITC जो भी छूटा हुआ था इस साल के ITC में जो आप दिखा रहे हैं जोड़ के, उसका रिपोर्ट आपको यहाँ देना होगा। और अगर आपने ITC क्लेम किया है छूटा हुआ तो आपको यहाँ पे दिखाना है। मैं फिर से बता देता हूँ, 12 जो आप ये देख रहे होंगे नंबर 12, इसके अंदर आपको वो डिटेल देना है जो आपने रिवर्सल किया, यानी ज्यादा क्लेम किया हुआ था तो आपने उस केस में रिवर्सल किया था तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा ITC छूट गया था जो आपने इस फाइनेंशियल ईयर में दिखाया है, उसको क्लेम किया है, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा इन CGST, SGST और IGST के अंदर। उसके बाद आपको इस पे सेव कर देना है। तो अभी तक फिलहाल मैंने आप लोगों को सिर्फ इतना बताया कि अगर छोटा हुआ ITC आपने क्लेम किया है या फिर ज्यादा ITC क्लेम कर लिया था और उसको रिवर्सल किया है तो उसका इफेक्ट GSTR 3B और GSTR 9 में कहाँ कहाँ दिखाना है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो के माध्यम से काफी हेल्प मिली हो। फिर भी ऐसे लोग जो रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे हैं, मैं उस अपना एक वेबसाइट है उसका लिंक आपके सामने प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन वो पेड सर्विस है। आप लोग चाहो तो आप वहां से भी आप ये सर्विस ले सकते हैं, पेड सर्विस ले सकते हैं। आप लोगों की रिटर्न फाइल करने में वो वेबसाइट भी हेल्प करेगा। आप लोगों को क्या कर रहा होगा, सिंपली यहाँ पे जाना होगा www.onlinegstservice.com पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक वेबसाइट ओपन होगा। इस वेबसाइट ओपन होते ही आप लोगों को जाना है, वेट कर लेते हैं, थोड़ा नेट स्लो चल रहा है। आप लोगों को सिंपली क्या करना है, आवर सर्विस पे क्लिक कर देना है। आवर सर्विस पे क्लिक करते ही आप लोगों के ये सॉरी GST सर्विस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। GST सर्विस पे क्लिक करते ही आपके सामने एक पेज ओपन होगा जहां पर इन लोगों की सर्विसेज दी हुई है कि ये किस प्रकार की सर्विसेज आप लोगों को दे सकते हैं। तो यहाँ पे GST से रिलेटेड मोस्टली सारे ही है, यहाँ पे आप देख सकते होंगे ये पेड सर्विस है। तो आप लोगों को अगर अपना GST या सर्विस वगैरह पे लेना है, सर्विस करवा लेना है यहाँ से, GST रिटर्न फाइल करवानी हो, ITR रिटर्न फाइल करवानी हो, TDS रिटर्न फाइल करवानी हो, तो एक ये पेड सर्विस है। आप लोग यहाँ से भी आप अपनी जो भी सोल्यूशन है उसका हल ले सकते हैं दोस्तों। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को काफी हेल्प मिली हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों।